मैं अपने बालों में हफ्ते में एक बार ज़रूर ऐसी DIY बना करके यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा घने और काले हैं। इवन मैं अपने हस्बैंड के बालों पे भी इसका एप्लीकेशन करती हूँ और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। सो फ्रेंड्स, उम्र कोई भी हो, लेकिन आप अपने सफ़ेद बालों को बचा सकते हो आने से और साथ ही साथ उसे काला भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा कि मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा लीव्स और मैंने इसे अपने घर में ही उगा रखा है। इसी तरह से आप भी करिएगा। जो कांच की ग्लास में है, मैंने उसे कट करके उसका जो हमारे जो डेड स्किन्स होते हैं, उसके जो गंदगी होती है एलोवेरा में, येलो कलर का पार्ट्स होता है, उसे खड़े करके आपको रख देना है, तो उससे वो गंदगी निकल जाती है। एलोवेरा को आप इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में अच्छी तरह से साफ करके कट करके ले लीजिए। एलोवेरा में विटामिन और मिनरल्स और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से फॉस्फोरस भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो टूटते नहीं हैं, बालों में मजबूती आती है, हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, काफ़ी फायदेमंद है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर लेना है रतन ज्योत। जी हाँ दोस्तों, इजीली हमें ये पंसारी की दुकान पे मिल जाती है रतन ज्योत। तो एक टुकड़ा आप अगर रतन ज्योत का यूज़ करोगे तो बालों को ये 100% काला बनाएगी। उसी के साथ आपको लेना है 2 बड़े चम्मच आंवला का पाउडर। आप यहाँ पे आंवला जूस भी ले सकते हैं या फिर आंवला पाउडर भी ले सकते हैं, जो कि हमारे स्कैल्प के डेड सेल्स को हटाती है और हमारे पोर्स को ये ओपन करके अच्छी तरह से हमारे एक्सेस ऑयल जो होते हैं सीबम्स, उस गंदगी के कारण जो पनपते हैं हमारे बालों में, उसका वो निजात दिलाती है। ठीक है, सारी चीज़ों को लेने के बाद आपको मेथी का पाउडर लेना है। मेथी दाना ले करके पीस करके उसे अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में आपको लेना है और इस सारी इंग्रेडिएंट्स में आपको 1 कप पानी डाल करके अच्छी तरह से इसे बॉईल करना है। जैसे ही आप इसे बॉईल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा मैजिकली वाटर मिलेगा, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर हैं या फिर सफेद बाल हैं, आप इसका एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। लोहे के पैन में लेना कंपल्सरी है, क्योंकि हमें इसे आयरन भी मिल जाता है, तो आयरन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और आपके बालों को ये स्ट्रांग बनाता है, काला भी बनाता है। आपको एक स्ट्रेनर की हेल्प से एक कांच की बाउल में इसे स्ट्रेन आउट कर लेना है। दोस्तों, जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लेफ्ट ओवर हो गई है, बच गई है, उसे आप बिल्कुल भी कचरा समझ के ना फेंकिएगा। इसे आप एक प्यूरी पेस्ट बना करके अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसे स्टोर करके फ्रिज में आप रख सकती हैं। इसे मैन वीमेन, अगर 15 या 16 साल के बच्चे हैं तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और बालों को ये सदा के लिए काला भी बनाती है। ठीक है, अच्छी तरह से स्ट्रेन आउट कर लीजिए। ये जो वाटर मिल गया है आपको, इसके अंदर आप मेहंदी डाल के भी अगर लगाएंगे तो भी बहुत अच्छी तरह से आपको रिजल्ट आएगा, आपके बाल लाल नहीं काले होंगे। अगर आपने ऐसे ही बालों पे एप्लीकेशन इसका स्टार्ट कर दिया लगाना, तो आपके तो बल्ले बल्ले, मीन्स आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे, काले होंगे और घने होंगे। छोटी सी DIY, आई होप आप लोगों को पसंद आई। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिए इस यूजफुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।